Hi everybody, welcome back to my channel Reiki Flames and I am here today with something new. Kuch naya hai aaj. This is a Friday special card reading and abhi se lekar ke har shukrawar ko, every Friday I will be present in front of you with this weekly love reading. Har shukrawar ko main ye love reading, ye love deck open karne wali hoon. एंड हाँ जी जी हाँ, मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट से ही ये बना रही हूँ. मेरे पास ऐसे बहुत रिक्वेस्ट बहुत दिनों से आ रहे थे बट मैं टाइम निकाल नहीं पा रही थी, तो सो फाइनली आई एम हियर. एवरी फ्राइडे आई विल बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस विद दिस लव ओरेकल डे. और हाँ, जैसे कि मुझको रिक्वेस्ट आया था ताकि मैं ये कार्ड रीडिंग भी हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँ, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी. मैं हिंदी में ज़रूर ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग रीडिंग शुरू करेंगे और आप लोग वीडियो को पॉज करके दिमाग को शांत करके फील कीजिए कौन से पाइल ऑफ कार्ड या कौन से क्रिस्टल्स के साथ आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं. आज हमारे पास रोज क्वार्ट्ज है पाइल नंबर 1 में, हाउलाइट है पाइल नंबर 2 में एंड ग्रीन ऑवेंटराइन है पाइल नंबर 3 में. वैसे तो बहुत सारे रोज क्वार्ट्ज आज आप लोगों को दिखेगा, मैंने पर्पसली रखे हुए हैं सो दैट वी कैन गेट दैट वाइब्रेशन विद दैट गुड एनर्जी वाइल गेटिंग द रीडिंग डन. हाउलाइट का मैं बता दूँ, रोज क्रिस्टल्स का, रोज क्वार्ट्ज का तो शायद आप लोगों को पता ही है, दिस इज़ अ रिनाउंड लव स्टोन, रिलेशनशिप स्टोन. ग्रीन ऑवेंटराइन भी सेम है, लव स्टोन में हम लोग यूज़ करते हैं, रिलेशनशिप पर्पज़ में यूज़ करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग अबंडेंस अट्रैक्शन के लिए भी ग्रीन ऑवेंटराइन को यूज़ करते हैं, मनी पर्पज़ में भी यूज़ करते हैं. हाउलाइट जो कि हमारे सेकेंड पाइल में रखा हुआ है, ये जो क्रिस्टल है, ये जो स्टोन है, ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है इमोशन को बैलेंस करने में, जो कि एक बहुत अहम पार्ट निभाती है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप. सो वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड यू डू योर पार्ट. आप लोग टाइम ले लीजिए, देन सेलेक्ट योर पाइल ऑफ कार्ड्स और द क्रिस्टल. मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ. सो पाइल नंबर 1 फर्स्ट कार्ड इज ट्रस्ट. This situation is calling for you to have faith. This is your card. Okay. So, अगर अभी आप ऐसे कोई सिचुएशन में हैं जहाँ पे मान लीजिए कोई एक नए रिश्ते में आप हो, या फिर कोई एक पुराना ही रिश्ता सही जो कि बहुत एक लॉन्ग टर्म रिश्ता चल रहा है बट आप या फिर आपके पार्टनर कमिट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपने ये कार्ड ड्रॉ किए हैं तो स्पेशली शायद आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या फिर कमिट नहीं कर पा रहे उस रिलेशनशिप को, देन आपके लिए मैसेज ये है कि प्लीज़ भरोसा कर लीजिए. दिस इज़ द रिलेशनशिप एंड दिस इज़ द पर्सन हु इज़ मेंट फॉर यू. अगर वो आप स्केप्टिकल हो रहे कि यही बंदा है कि नहीं या फिर यही बंदी है कि नहीं, लाइक वेदर इफ ही इज़ माई मैन or not, whether he she is my woman or not, then please trust this message that this relationship is meant to be and that particular person is meant to be your partner. Card number 2 from pile number 1 is past life relationship. You have known each other before. So see, थोड़ा ज़्यादा ये कार्ड है आपका, थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया. लाइक फर्स्ट कार्ड से अगर हम लोग रिलेट करें तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है. अगर आप स्केप्टिकल है तो कि यही इंसान है कि नहीं आपके लिए, या फिर ये रिश्ता ही है कि नहीं, आगे जाके ये कायम रहेगा कि नहीं, देन बेफिक्र होके आप लोग जस्ट डाइव इन फॉर द रिलेशनशिप बिकॉज दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू गाइज आर मीटिंग. आप लोगों की पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यू हैड बीन डेटिंग सम टाइम्स बिफोर इन सम अदर बर्थ, सो इसमें अभी कोई भी शक की गुंजाइश ही नहीं है. तो आपकी रिलेशनशिप पहले भी रह चुकी है, आप लोगों ने एक दूसरे को किसी और जन्म में डेट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बेफिक्र होके आप लोग ये रिलेशन लेकर के आगे बढ़ सकते हैं. रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, दिस इज योर कार्ड. सो जो भी रोमांटिक फीलिंग्स है आपके, तो उसको अगर नए रिश्ते हैं या पुराने रिश्ते हैं जिसमें भी, अगर ये वजह से लाइक स्केप्टिकल आप थे कि आगे चल के होगा कि नहीं होगा, वो सारे क्वेश्चन मार्क्स थे, इसके वजह से अगर आप आपकी जो भी फीलिंग्स है, जो भी रॉ इमोशंस है आपके पार्टनर के लिए, उसको अगर आप रोक के रख रहे थे तो उसका कोई मतलब नहीं है. जबकि आपकी फीलिंग्स इतनी रियल है, आपका रिश्ता इतना रियल है, तो फिर उसको आगे और ज़्यादा एक्सप्लोर करने में
कोई दिक्कत नहीं है। अगर मतलब आप लोग शादी के लिए सोच सोच के भी नहीं सोच पा रहे हैं तो आप लोग आराम से आगे बढ़ सकते हैं, उसको एक आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदर साइड्स ऑल्सो लाइक अपार्ट फ्रॉम बीइंग जस्ट लवर्स, यू कैन जस्ट टाई योर नॉट्स। आप लोग शादी के लिए सोच सकते हैं, उसमें थोड़ी सी भी कोई शक की गुंजाइश ना रखे और एकदम निश्चिंत होकर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो पाइल नंबर वन इज डन। पाइल नंबर टू, फर्स्ट कार्ड, रिलीज योर एक्स। द टाइम इज कम टू क्लियर योर एनर्जी। दिस इज योर कार्ड। अगर आप लोग कोई एक ऐसे सिचुएशन में हैं या फिर कोई एक ऐसे रिश्ते में हैं जिसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ आपके मेमोरी में ही है, जो कि मतलब अभी वो रिश्ता है ही नहीं सिवाय आपकी यादों में, तो प्लीज़ उसको आप लोग छोड़ दीजिए। जिस किसी ने भी ये कार्ड ड्रॉ किए हैं, इसका इंडिकेशन ये है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया आने वाला है, कोई नया रिश्ता एंटर करने वाला है, इसीलिए आपने ये कार्ड ड्रॉ किए हैं। यू आर होल्डिंग बैक, क्योंकि आपकी जो पास्ट मेमोरीज है या फिर आप अपने एक्स को भुला नहीं पा रहे हैं, इसके वजह से आप कुछ नया मतलब एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे। यू आर नॉट एबल टू ओपन अप योर सेल्फ फॉर अ न्यू रिलेशनशिप और समथिंग रियली रियली गुड और ब्लेसड दैट इज़ कमिंग योर वे। या तो फिर ऐसे भी सिचुएशंस है जहाँ पे आप लोगों की कोई एक शादी है, अगर आप ऐसे कोई मैरिज में हो, ऐसे कोई रिश्ते में या शादी में हो जहाँ पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक सोशल आइडेंटिटी के लिए ही, आइडेंटिटी के वजह से ही आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हो, जहाँ पे इमोशनल कोई बॉन्ड ही नहीं है, एंड दूसरे साइड में आप किसी और को पसंद करने लगे हो, लेकिन जस्ट एज बिकॉज दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, एक सोशल बाइंडिंग के वजह से अगर आप लोग रुके हुए हैं, तो वो ना करें, उस चीज़ को रिलीज़ करें अच्छी तरह से। जस्ट हैव अ डिस्कशन या जो भी है, जो भी नेसेसरी प्रोसीजर्स आपको लेना है, जो भी लीगल स्टेप्स लेने हैं या जो भी करना है, अच्छी तरह से करके प्लीज प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर समथिंग न्यू, क्योंकि इस कार्ड का इंडिकेशन ये है कि कुछ ना कुछ नया आने वाला है। तो जब तक आप पुराने किस्सों को नहीं भुलाओगे, तब तक नया तो आप शुरुआत नहीं कर पाओगे। राइट, यू हैव टू कट द कॉर्ड देयर। सो सेकंड कार्ड फ्रॉम पाइल नंबर टू, सी हियर इट इज, जिस बारे में हम लोग बात कर रहे थे, न्यू लव। सो A new person has stirred your romantic feelings. तो कार्ड के हिसाब से you already have, जिन्होंने भी ये कार्ड ड्रॉ किए हैं, तो कार्ड के हिसाब से ऑलरेडी आप आपके लिए आपके मन में किसी के लिए कुछ रोमांटिक फीलिंग्स है, आपको कोई पसंद आने लगा है, आप किसी को पसंद करते हैं ऑलरेडी, बट जस्ट इज बिकॉज आपकी कड़ी कहीं जुड़ी हुई है एंड जहाँ पे कोई इमोशंस नहीं है, बस नाम के वास्ते जुड़ी हुई है, तो Then again, cut that cord and please dive in for the new relationship. Third card from pile number two, getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. This is your card. अगर आप ये स्पेशली एक नए रिश्ते में ज़्यादातर देखा जाता है या ज़्यादातर होती है, कई कई बार तो जब रिश्ते बहुत पुराने होने लगते हैं तभी भी होता है कि हम लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ये कि सामने वाला जो हमारे पार्टनर है वो लोग समझेंगे कि हम लोग क्या सोच रहे हैं या क्या करना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं, एंड उसी जगह पे सारे इश्यूज़ क्रिएट हो जाती है। सो बेटर कि आप लोग एक दूसरे को रिवील कीजिए, एक दूसरे की जो भी लाइकिंग्स है, डिसलाइकिंग्स है, वो बात कीजिए। जितना ज़्यादा आप लोग खुल के एक दूसरे से एक दूसरे के बारे में बात कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा गहरा आपका रिश्ता भी होगा और आपकी दोस्ती भी होगी, क्योंकि हर रिश्ते की नींव फाइनली दोस्ती से ही होती है। सो वी आर डन विद द सेकेंड पाइल एज वेल, पाइल नंबर टू डन। पाइल नंबर थ्री, फर्स्ट कार्ड, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, दिस इज योर कार्ड। ओके, सो अगर आपके मन में ऐसा कुछ है कि कार्ड के हिसाब से तो आपको जो चाहिए था, जिस तरीके का आपको पार्टनर चाहिए था, आप उनसे मिल चुके हैं, एंड अगर जो आपको लगता है कि क्या ये यही है,
आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, तो देन ये यही है वो इंसान, वो व्यक्ति, ही इज़ द पर्सन और ही इज़ द पर्सन, एंड यू कैन सेफली मूव अहेड, मूव फॉरवर्ड विद दिस पर्सन. और अगर जो आप लोगों को पता ही नहीं है कि वो कौन है, देन ट्राई टू फिगर आउट के ऐसा कौन है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्ड आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं. नाउ अभी तक अगर आपको ये समझ में नहीं आया है, सो प्लीज़ ट्राई टू फिगर आउट के कौन है जिसकी वेवलेंथ आपसे मैच होती है, या फिर जैसे आपने हमारी सबकी एक इमेजिनरी एक रहती है ना कि हमारे पार्टनर ऐसे होंगे वैसे होंगे, तो किसके साथ वो क्वालिटीज़ मैच होती है, कौन है वो आप लोग फिगर आउट कर लीजिए, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेट दैट पर्सन. सेकेंड कार्ड फ्रॉम पाइल नंबर 3, फिनेंसेस एंड करियर. फिनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ. दिस इज योर कार्ड. दिस कार्ड मीन्स लाइक आप अगर आप ऐसे कोई सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप शादी के लिए सोच रहे बट फिनेंशियली आप साउंड नहीं हो, एंड बहुत सारे जगह पे ऐसे होते हैं ना कि पार्टनर्स ही हम लोगों को वो डेडलाइन दे देते हैं कि अगर इस टाइम से लेकर के उस टाइम के अंदर आप ये कर पाते हो तो ही मैं आपके साथ हूँ, वरना मैं नहीं हूँ. तो मैं इस कार्ड को नेगेटिव तो ज़रूर नहीं बोलूँगी, बट देन अगेन इट्स काइंड ऑफ अ कॉशन कि आप लोग देन प्लीज़ डू कंसेंट्रेट ऑन योर करियर पार्ट एज वेल. जो प्रोफेशन है उसमें भी थोड़ा कंसेंट्रेट कीजिए, ट्राई टू वर्क मोर ऑन योर प्रोफेशनल पार्ट, ताकि जो भी इश्यूज़ अभी हो रहे हैं, जो भी फिनेंसेस या करियर रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आपको हो रहे हैं, ताकि वो ना हो, इसके लिए अगर आप किसी को कंसल्ट करना चाहते हैं तो कंसल्ट कीजिए. कोई क्रिस्टल्स आपको लेना है वो लीजिए, जो भी नेसेसरी स्टेप्स है वो आप लोग कीजिए एंड आगे बढ़िए. थर्ड कार्ड फ्रॉम पाइल नंबर 3, एंगेजमेंट. योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट. दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड एंड अ वेरी ब्लेस्ड कार्ड. दिस इज योर कार्ड. एंगेजमेंट समझ में ही आ रहा है आपको, अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट. तो अगर आप लोग अभी रिलेशनशिप में हैं तो पूरी पूरी इंडिकेशन है कार्ड में कि ये रिश्ता आगे बढ़ने वाली है. तो बीच में सिर्फ एक ही चीज़ आ जाती है, अगर वो फिनेंस और करियर की कोई भी जो इशू है उसको आप लोग प्लीज़ अच्छी तरह से डील कर लीजिए, देख लीजिए, किसी को कंसल्ट करना है तो कंसल्ट कीजिए, कुछ भी जो आपको इनिशिएटिव लेनी है लीजिए, नए जॉब के लिए अप्लाई करना है, कुछ कोर्सेज करने हैं, जो भी करना है कीजिए, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ यू नो योर रिलेशनशिप टू ग्रो फर्दर. आगे बढ़ने की बहुत चांसेस दिखाई दे रहा है, एंड ओवरऑल द रीडिंग इज़ गुड. जिन्होंने भी पाइल 3 सिलेक्ट किए हैं, इट्स अ पॉजिटिव पाइल. सो वी आर डन विद ऑल 3 पाइल ऑफ कार्ड्स. आगे आप लोगों को पता है, हमेशा की तरह वही चीज़ मैं बोलने वाली हूँ, मेरा पार्ट ख़त्म है. प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आप कितना रिलेट कर पाए हैं रीडिंग के साथ, कितना रेजोनेट कर पाए हैं, प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा. मुझे भी अच्छा लगता है, एंड दैट इज़ वॉट मेक्स मी गो, दैट इज़ वॉट कीप्स मी गोइंग. और या मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं हमेशा की तरह आई विल कीप मेकिंग वीडियोज ऑन स्पिरिचुअलिटी, रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, कार्ड रीडिंग, वाइट मैजिक एंड स्पेल्स. एंड थर्सडे को मेरी जो साई बाबा की डेक मैं ओपन करती हूँ वो तो मैं करती ही रहूँगी, एंड दिस इज़ अ न्यू वन. हर फ्राइडे भी मैं आ जाऊँगी आपकी आपके आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग लेकर के. एंड जो आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं अभी अभी मैंने मेंशन किया है, जो भी मैं टॉपिक के ऊपर, जो भी सब्जेक्ट के ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों से मिस ना हो. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड आई ज़ेरिया प्रॉमिस टू कम बैक विद मोर वीडियोज रिलेटेड to the mentioned topics, and आप लोग तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए. बाय बाय.